हेलो एवरीवन, इस छोटे से वीडियो में बात करने वाले हम डिफरेंस बिटवीन टॉर्क वर्सेस मोमेंट। हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इंटरव्यू में कई बार पूछ लेता है, हम कंफ्यूज रहते हैं, तो हम कंफ्यूजन को दूर करते हैं। चलो शुरू करते हैं। टॉर्क वर्सेस मोमेंट, टॉर्क किस चीज का नाम है? टॉर्क एक नाम है ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? टॉर्क। जबकि मोमेंट एक जनरलाइज टर्म है। मोमेंट को हम दो चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट या ट्विस्टिंग मोमेंट, दोनों के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन ट्विस्टिंग मोमेंट को पर्टिकुलरली हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट में अंतर क्या होता है। एक और चीज है, मैं इसके साथ ही टॉर्क वर्सेस मोमेंट में बताने वाला हूं आपको, कपल वर्सेस मोमेंट। कपल वर्सेस मोमेंट में भी अंतर होता है। क्या होता है ये अभी 2 मिनट में समझने वाले हैं। इससे पहले ये समझ ले ट्विस्टिंग और बेंडिंग मोमेंट पे अंतर क्या होता है। तो एक होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, किसी भी बॉडी का एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। से हमारे पास ये बॉडी है, ये फेस कौन सी है? क्रॉस सेक्शन वाली फेस है। से मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी डी। तो ए बी सी डी फेस का जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड से गुजरने वाला एक्सिस जो कि एबीसीडी फेस के परपेंडिकुलर हो, एबीसीडी प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उसको क्या बोलेंगे हम? पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस। अब इस पूरी बॉडी में कई सारे, कितने ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस हैं, तो उन सारे क्रॉस सेक्शंस के पोलर एक्सिस को मिला के जो एक्सिस बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। एक और चीज होती है, इस पोलर एक्सिस जिस पॉइंट को, क्रॉस सेक्शन को जिस पॉइंट पर कट करता है उसको बोलेंगे हम सेंट्रॉइड। ये तो क्लियर है। इस सेंट्रॉइड से पास होने वाले दो एक्सिस होते हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एक को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइडल एक्सिस, एक को हम बोलते हैं वर्टिकल सेंट्रॉइडल एक्सिस, और इसको हम पॉइंट ओ को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। तो यदि मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूं कुछ ABCD को, ये हमारा कौन सा प्लेन है? ये हम व्यू में देखें, प्रोफाइल प्लेन है। प्रोफाइल प्लेन को यदि मैं ड्रॉ करूं तो मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूं ABCD। यदि यहां पे मैं HCA एंड BCA को बनाऊं और ये सेंट्रो, तो ये मेरा कौन सा हो गया? HCA एंड ये हो गया मेरा BCA। अब इस पे मैं फोर्स लगाता हूं, यदि इस पे मैं इस तरह से कुछ फोर्स लगाता हूं, से ये मैंने फोर्स लगा दिया, इस तरह से मैंने क्रॉस बना दिया, इसका मतलब क्या है कि इन द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि कुछ इस तरह से। बट यहां पे 3D में उतना क्लियर समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए मैंने क्रॉस बना दिया। क्रॉस का मतलब क्या है? इन द प्लेन ऑफ पेपर। तो आपको पता है, जब सपोज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है ए, तो जब इस फोर्स को हम ओ पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे तो किस तरह शिफ्ट करेंगे? सपोज ये ओ पॉइंट और यहां पे फोर्स लगा हुआ है, तो यहां पे हम इस तरह के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लाएंगे, यानी एक क्रॉस एंड एक डॉट इसी के ऊपर। तो क्या होगा कि हमने नेट फोर्स तो जीरो लगाया, बट हमने फोर्स को इस तरफ शिफ्ट ही कर दिया। तो यदि इसको हम डायरेक्ट शिफ्ट करें तो कुछ इस तरह शिफ्ट होगा कि फोर्स तो यहां पे ऐसे कैसे शिफ्ट हो जाएगा, ओ पे फोर्स तो ऐसे कैसे शिफ्ट हो जाएगा, बट एक मोमेंट, एक बेंडिंग मोमेंट में शिफ्ट होगा। क्योंकि आप देखो ये किस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है, किस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है? ये वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है। यदि मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है, कुछ इस तरह से। बात समझ में आ रही है? वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेंडिंग मोमेंट। यानी कि मैं यदि दो डायग्राम बनाता हूं, एक्सियल लोड डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो यदि इस क्रॉस सेक्शन में बात करूं तो एक्सियल लोड कितना है? एक्सियल लोड तो सपोज इस फोर्स का मैग्नीट्यूड पी है, तो एक्सियल लोड तो हर जगह पी ही रहने वाला है कांस्टेंट, और अंदर की तरफ है तो क्या हो गया? नेगेटिव। बट यदि मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूं तो बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? पी इंटू ए, बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू पी इंटू ए। अब बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा उसको कैसे डिसाइड करते हैं हम? तो हमारे पास तीन चीजें होती है, एक तो लेफ्ट फाइबर, एक टॉप फाइबर, एक बैक फाइबर।
यदि इन तीनों में से कुछ भी कंप्रेस हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव बेंडिंग, और यदि राइट फाइबर, बॉटम फाइबर, राइट फाइबर या फ्रंट फाइबर तो उसको बोलेंगे हम नेगेटिव बेंडिंग। जब टॉप फाइबर कॉन्ट्रैक्ट या एलोंगेट होता है उसको हम सैगिंग या हॉगिंग बोलते हैं। टॉप फाइबर यदि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको सैगिंग, टॉप फाइबर यदि एक्सटेंड हो रहा है तो हॉगिंग। सैगिंग क्या बोलते हैं पॉजिटिव, हॉगिंग क्या बोलते हैं नेगेटिव। आई होप ये सब तो क्लियर है आपको। उसके बाद यदि ट्विस्टिंग मोमेंट होता है, ट्विस्टिंग मोमेंट कब होता है, से हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन है, यदि इसमें दो फोर्स हमने इस तरह से लगा दिए तो जो कपल बनेगा वो इस तरह से कपल बनेगा, और एक कपल क्या कराएगा ट्विस्टिंग कराएगा। ट्विस्टिंग का मतलब क्या है कि कुछ इस तरह से ट्विस्ट होना, हमने बचपन से पढ़ा है ट्विस्ट होने का मतलब क्या है। कोई भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, से ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो ट्विस्ट होने का मतलब क्या है कि हर लाइन थीटा एंगल से शिफ्ट हो गई, ये थीटा एंड ये थीटा, सारी लाइंस थीटा एंगल शिफ्ट हो गई, मींस पूरा क्रॉस सेक्शन ट्विस्ट हो गया थीटा एंगल से। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही है। इसमें सेंटर जीरो ट्विस्ट होता है जबकि सबसे आउटर फाइबर होता है सबसे मैक्सिमम ट्विस्ट होता है। तो यदि मैं कपल वर्सेस मोमेंट की बात करूं, कपल और मोमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो जैसे मैं एक डायग्राम से आपको बताऊं, तो ये हमारे पास सपोज बार है, बार को मैंने लाइन से शो किया है, इस पे जो हमारे पास ट्विस्टिंग मोमेंट है। अच्छा, ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट में एक और अंतर होता है कि ट्विस्टिंग मोमेंट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हाफ एलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे, जबकि बेंडिंग को हम कर्व से, सर्कुलर आर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्विस्टिंग में पॉजिटिव नेगेटिव कैसे मानता है, बेंडिंग में मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव का साइन बताया था, लेफ्ट फाइबर, टॉप फाइबर या बैक फाइबर जब कंप्रेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव बेंडिंग। ट्विस्टिंग में यदि क्रॉस सेक्शन से अवे होगा, इस वाले को हम डबल एरो हेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डबल एरो हेड यदि टुवर्ड्स क्रॉस सेक्शन है तो पॉजिटिव ट्विस्टिंग बोला जाता है, अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन यदि हमारे डबल हेड है तो उसको नेगेटिव ट्विस्टिंग बोला जाता है। तो कपल वर्सेस मोमेंट में यदि मैं मोमेंट्स की बात करूं से, ट्विस्टिंग मोमेंट्स की, से ये हमारे पास ट्विस्टिंग मोमेंट है। तो इसमें मैं सेक्शंस की बात करूं तो मैं सेक्शन बनाता हूं, ये एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन, चार, ए बी सी डी ई और एफ। तो मैं किसी भी सेक्शन में बात करूं यदि, तो हमको किसी भी सेक्शन पे, सपोज ये एक पॉइंट है, ये दो पॉइंट है जहां पे अप्लाई हो रहा है कपल, तीन पॉइंट है, चार पॉइंट है, पांच पॉइंट है, तो पॉइंट्स पे जो ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है उनको ट्विस्टिंग मोमेंट ना बोल के हम क्या बोलेंगे, ट्विस्टिंग कपल। यानी कि जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक डिस्टेंस पे एक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते थे, कपल बोलते थे, चाहे वो ट्विस्टिंग कपल हो या बेंडिंग कपल हो। जब भी कोई दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक डिस्टेंस पे एक्ट करते हैं तो उसको हम कपल बोलते थे। बट किसी भी एक सेक्शन के आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड के कपल्स का जो सम रिजल्टेंट होता है उसको हम मोमेंट बोलते हैं। सपोज मैं सी सेक्शन की बात करूं तो सी सेक्शन के लेफ्ट साइड में यदि मैं देखूं तो सी सेक्शन के लेफ्ट साइड में सपोज ये टी, ये टू टी, ये थ्री टी, ये टी एंड ये टी, तो इसके जो लेफ्ट साइड में थ्री टी पॉजिटिव और नेगेटिव, थ्री टी नेगेटिव माइनस थ्री टी है वो मोमेंट है। बट यदि मैं पॉइंट टू पे बात करूं तो पॉइंट टू पे जो टू टी लग रहा है ये क्या है, कपल है कि मोमेंट है, ये कपल है। कौन सा कपल है, ट्विस्टिंग कपल है बेंडिंग कपल, ट्विस्टिंग कपल। कैसे पता चला, क्योंकि हाफ एलिप्स ड्रॉन है। तो आई होप ये समझ में आया कि ट्विस्टिंग कपल बेंडिंग कपल में क्या अंतर होता है, कपल और मोमेंट में क्या अंतर होता है। कपल किसी भी पॉइंट पे अप्लाई करा सकता है, मोमेंट हम रिजल्टेंट को बोलते हैं। अच्छा, हम किसी भी सेक्शन में हमको ये करने की जरूरत क्यों पड़ी, मोमेंट निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, कपल को हमने डायरेक्ट क्यों नहीं बोल दिया सेक्शन में इतना मोमेंट है, क्योंकि जो कपल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर ए लेंथ, बट मोमेंट हम रिजल्टेंट को ही बोलते हैं। देख लास्ट में टॉर्क वर्सेस मोमेंट का अंतर तो पता ही चला आपको, हम सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट को ही टॉर्क बोलते हैं जबकि बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, तो मोमेंट एक जनरल टर्म है और ट्विस्टिंग मोमेंट को हम क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे। तो आई होप दैट्स क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट।